Yeah, thank you, Gurjit. Hello, hello, friends. My name is Vaibhav and I'm an alcoholic. Hi, Vaibhav. By the grace of God. Hi, Vaibhav. Hello, hello, friends. Hello, sir. By the grace of God, दोस्तों, आज के दिन दारू नहीं पिया हूँ, दारू से दूर हूँ और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए. मैं पिंक सिटी ग्रुप का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे अनुभव रखने का मौका उन्होंने मुझे दिया. एंड एट द सेम टाइम हमारे बीच आज जो नए मेंबर है, द न्यू कमर, वेलकम वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अल्कोहलिक एनोनिमस. एंड मैं भी ऐसे ही किसी दिन अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था. एक शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि जो मेरा अल्कोहलिज्म है, 17 साल का जो मेरा अल्कोहलिज्म है, 17 साल में दारू पिया था, उसमें से 15 साल ठीक ठाक दारू पिया, ऐसा मैं बोलता हूँ कि एज अ प्लान ड्रिंकर एकदम ठीक ठाक था. उस टाइम कुछ इश्यूज नहीं थे. लेकिन लास्ट के 1.5-2 साल है वो बहुत बुरे गए मेरे लिए, बहुत बुरे गए. इसका मतलब कुछ हाथ में ही नहीं बचा था मेरे, मेरी सब खत्म हो चुका था मेरे लिए. ना मेरे लिए जॉब बचा था, ना हेल्थ बची थी, ना कुछ रिलेशन बचे थे, ना सोसाइटी में मेरा, सब कुछ चले गया था दोस्तों. और 24 आवर्स मेरे, मैं बस दारू के बारे में सोचता था कि दारू कैसे पी जाए, कहाँ से पी जाए, उसके लिए पैसे कहाँ से लाए जाए, यही दिमाग में मेरे चलते रहता था हमेशा. और ऐसे कंडीशन में दोस्तों, बीवी तो छोड़ के ही चली गई थी, मां रह रही थी बस साथ में, उसको भी मैं मार रहा था क्योंकि वो दारू पीने के लिए पैसे नहीं दे रही थी मुझे. तो ये परिस्थिति मेरे जैसे इंसान पे आ चुकी थी और समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है आगे जिंदगी में, करना क्या है, क्योंकि सब अंधेरा ही दिख रहा था मुझे. और एक दिमाग में ऐसे भी था कि ऐसी दारू पी पी के आज मर जाना है, नहीं तो फिर कुछ, क्योंकि नहीं तो खुद को यार खत्म भी तो कर लो, आत्महत्या कर लो, ऐसा कुछ कर लो, तो ये मैं किस्सा खत्म कर दूं, क्योंकि ये मेरे कंट्रोल के बाहर था. सब कुछ जो कुछ मेरे साथ हो रहा था तब कंट्रोल के बाहर था. मैंने बहुत कोशिश की दारू छोड़ने की, बंद करने की, लेकिन मेरे से वो पॉसिबल नहीं हुआ. दारू मैं कैसे कभी ऐसे छोड़ नहीं पाया. बहुत बार मैं ट्राई करता था, 1-2 दिन 4 दिन, कभी 2 हफ्ता 4 हफ्ता मैं दारू से दूर रह भी लेता था, लेकिन उसके बाद फिर से वो दारू मेरी जिंदगी में आती थी. और जिस दिन मुझे समझा कि यार अभी दारू छोड़ा नहीं जा सकता, यानी दारू तो पीना ही पड़ेगा, तो फिर मैंने दारू कंट्रोल में पीने की भी बहुत कोशिश की कि कंट्रोल में पियेंगे, एक ही क्वार्टर पी के आएंगे, चलो एक ही बियर पियेंगे, चलो एक ही वाइन का एक ग्लास पियेंगे, लेकिन वो भी मेरे से नहीं हुआ. जब भी मैं दारू पीना चालू करता था तो जिस तरीके से मैं दारू मेरे पेट में जाती थी और फिर मैं किधर भी गिरा रहता था, पड़ा रहता था, कुछ भी होता था मेरे साथ, तो ये सब बातें मेरे साथ रिपीटेडली हो रही थी, रिपीटेडली हो रही थी. और घर वाले ने हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई तू कर कुछ, नहीं तो मर कैसे. लेकिन क्या करे, क्योंकि सब जो कुछ करने जैसे सब चीजें थी वो सब कुछ की जा चुकी थी या हो रही थी. उसमें से साइकेट्रिस्ट हो गए, साइकोथेरेपिस्ट हो गए, यू नो, ये सब कुछ हुआ, ये वो, इधर उपवास उधर ये, क्योंकि ये पूजा डालो, अर्ध काल सर को पूर्ण काल सर को, कोई पंडित कुछ बता देता था, कोई कुछ बता देता था. मेरे घर वाले सब जगह भागते थे, सब करते थे. इनफैक्ट मेरे यू नो इन-लॉज मेरे लिए उपवास रखना चालू किए थे कि भाई इसका दारू बंद हो जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ, वो नहीं हो रहा था मेरे से. लास्ट में थक थक के मेरे इन-लॉज ने मुझे एक ऑप्शन दिया था कि वैभव तेरा दारू अगर बंद नहीं हो रहा है तो एक काम कर, तू घर में दारू का बॉटल ला के रख और उससे दारू पिया कर, तेरे को जितना चाहिए तू दारू पी हर रोज खाने से पहले और सो जा. तो उस टाइम मैंने उनको दिया हुआ ये आंसर था कि भाई मैं वैसा नहीं कर सकता. एक बात मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में आने से पहले ही थोड़ा सा एक स्ट्राइक हुआ था कि मेरे मैं मुझे लगती है दारू तो ऐसे है ना पेट भरने तक. मैं उस टाइम सोचता था कि मुझे पेट भरने तक मेरा कोटा बढ़ा है तो उतनी दारू लगती है, तो उतने से में ही मेरा काम होता है, मैं थोड़ी थोड़ी पी के मैं रह नहीं सकता था. तो मैंने उनको दिया हुआ आंसर था कि सॉरी आई कांट डू इट, मैं ये नहीं कर सकता कि थोड़ी दारू पी के मैं रह नहीं सकता, ये मेरा बेसिक प्रॉब्लम है, हो रहा है मेरे साथ ऐसा. तो और उस टाइम मैंने डिसीजन लिया था, उस टाइम उनको मैंने बोला था कि मैंने दारू छोड़ा है, मैं अभी दारू नहीं पीऊंगा, ये डिसीजन मैंने लिया है. और दोस्तों 2-3 महीना चले मेरे और 3 महीने के बाद मैं फिर से दारू पिया, तो ये रिपीटेडली हो रहा था कि दारू फिर से आ ही रही थी. और मेरा इनहाउ सब कुछ जिंदगी अस्त व्यस्त हो रही थी या चल रहा था. एंड ऐसे कंडीशन में दोस्तों घर वालों ने उठा के रिहैब सेंटर में डाला, रिहैब में थोड़े दिन रहा, वहां से निकल के अल्कोहलिक एनोनिमस में आया. अभी ना जब मैं रिहैब सेंटर में गया तो वहां जो मेरे लिए गेम चेंजर एक चीज साबित हुई, जो एक मैं हमेशा बोलता हूँ, उस फर्स्ट लाइनर जो है, एक वन लाइनर है जो मेरे लिए गेम चेंजर साबित हुई थी, वो थी दोस्तों की फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज, पहला घूट घातक, मराठी में हम बोलते हैं पहला घूट घातक. एंड वो कहा तो स्ट्राइक हुआ मेरे को कि यार मेरे साथ ये हो रहा है, क्योंकि मैं मुझे ये पता था कि मैं कभी यार ऐसे यू नो सोच के नहीं जाता था कि आज एक पूरा खंभा मारेगा, आज यू नो अपना खंभा मारेगा, बीवी का सर फोड़ेगा, अपना मोबाइल तोड़ेगा, ऐसा कुछ करेगा. ये सब कुछ सोच के मैं कभी नहीं गया था दारू पीने. दारू में तो मैं थोड़ी जाता था, लेकिन वो थोड़े पे रुक नहीं पाता था. देन आई रियलाइज कि यार ये मेरे साथ होता है, मैं 90 लेता हूँ और उसके बाद
कितने 90 में पी जाता हूँ और मेरी आंख खुलते मैं कहाँ रहता हूँ, इसका कुछ हिसाब नहीं है मेरे जिंदगी में, और ये होता है मेरे से. और दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि जो मेरे लिए गेम चेंजर साबित हुआ. एंड देन आई रियलाइज कि समथिंग इज रॉन्ग विथ मी. तब तक मुझे लग रहा था कि मेरे में कुछ गड़बड़ है ही नहीं, सब गड़बड़ है आजू बाजू के लोगों में, क्योंकि ब्लेम गेम मेरा चलता था. मुझे लगता था कि मेरे आजू बाजू के, मेरी बीवी हो गई, सास ससुर हो गए, मेरी माँ हो गई, बहने हो गई, ये लोग मेरे जिंदगी में है, ये बुरे लोग हैं मेरे जिंदगी में बेसिकली, तो इनको मेरे जिंदगी से निकाल दो. कंट्रोल ए, सिलेक्ट ऑल एंड डिलीट ऑल, तब जाके शायद से मेरी जिंदगी ठीक होगी. तो ये मैं सोचता था. लेकिन उस वहां फर्स्ट टाइम मैंने मेरी तरफ देखा कि भाई वो तेरे में कुछ गड़बड़ है, कुछ तो प्रॉब्लम तेरे में लग रहा है. एंड दैट इन दैट सेंटर रिहैब सेंटर इटसेल्फ आई रियलाइज, यस यार आई एम एन अल्कोहलिक, मैं दारूड़ा हूँ, मैं बेवड़ा हूँ. एक्चुअली इट वॉज अ साय ऑफ रिलीफ फॉर मी, बिकॉज उस दिन मैं बहुत रोया था. जिस दिन मुझे पता चला था कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ, या मैंने एक्सेप्टेंस आया था अंदर से कि कुछ तो गड़बड़ है मेरे पास, तो मैं रोया था. मैं रोया ना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आंखों से ऐसे कंटिन्यूस आंसू निकल रहे थे मेरे, और मुझे अच्छा लग रहा था वो चीज कि पहली बार जिंदगी में कुछ हल्का महसूस कर रहा था. यू नो, जो मेरी एक पहचान मुझे नहीं मिली थी, नहीं तो तब तक मुझे ये पहचान मेरे पास नहीं थी. क्यों मैं खुद को अल्कोहलिक क्यों मानू, क्योंकि मैंने देखे ना कि वो अल्कोहलिक अलग होते हैं यार, रास्ते पे गिरने वाले, यू नो, भीख मांगने वाले, ये सब ऐसे गंदे लोग, मैं बोलता था भाई गंदे लोग होते हैं, वो अल्कोहलिक हो जाए. और मेरे जैसा एक डॉक्टर इंसान जो यू नो बंगलों में रहता है, गाड़ियों में घूमता है, तो स्कॉच पीता है तो मेरे जैसा इंसान ये अल्कोहलिक है, ये बेवड़ा दारूड़ा कैसे हो सकता है. लेकिन इट डजंट मैटर कि कौन सी प्रकार की दारू पी रहा है, इट डजंट मैटर कि जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये नहीं, अब ये बातें मायने नहीं रखती. और दोस्तों मेरे अल्कोहलिक की डेफिनेशन जो थी, और उस डेफिनेशन में शायद मैं खुद ही नहीं बैठ रहा था, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था शुरुआत के दिनों में कि चल क्या रहा है. तो मैं वो एक्सेप्टेंस लेके हुई अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, अल्कोहलिक एनोनिमस में आया तो यहाँ अच्छा लगा. इधर का माहौल में चेंबूर में मैंने पहला मीटिंग किया था मेरा जीवन प्रकाश ग्रुप में, और स्वागत हुआ. मैंने 101 कहानियां, जब यहाँ कहानियां नहीं बोलूंगा, शेयरिंग बोलूंगा जो है उन लोगों की, वो मैंने जब सुनी तो मुझे ऐसा लगा यार कि भाई बहुत इंटरेस्टिंग लगा यार, क्योंकि मेरे से भी बहुत कुछ चीजें करके ये लोग यहाँ आए थे, और अच्छे थे, सोबर थे, अच्छे खासे दिख रहे थे, अच्छे कपड़े डाले हुए थे, और एक थोड़ा सा मतलब होप मिलता है यहाँ कि यार यहाँ कुछ हो सकता है, यहाँ शायद मैं दारू से दूर रह सकता हूँ. क्योंकि दोस्तों मेरे दिमाग में एक डर हमेशा लगा रहता था कि वैभव यार ये 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना तू इससे पहले भी दारू से दूर रह चुका है, लेकिन उसके बाद फिर से तू दारू पिया है. तो अभी रिहैब सेंटर में थोड़े दिन था, इसका मतलब ये नहीं ना कि तेरा सब कुछ हो गया, फिर से भी वो दारू तेरे जिंदगी में आ सकती है. तो उसको अगर मुझे रोकना है तो मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, तो अल्कोहलिक एनोनिमस में तो आना है. तो अल्कोहलिक एनोनिमस में आया दोस्तों, यहाँ अच्छा लगा, मीटिंग चालू किया, हर रोज मीटिंग करता था, इन्वॉल्वमेंट अपना था के दोस्तों के साथ, सुपर मीटिंग ये वगैरह सब कुछ चल रहा था दोस्तों. एंड यू नो आई गॉट वन फॉर्मूला कि हर रोज मीटिंग करो और अपनी जिंदगी अभी ठीक करो, क्योंकि बहुत सारे कर्जे थे दिमाग पे, सर पे, जॉब नहीं था पास, बीवी छोड़ के चली गई थी, वो ओके कुछ अटी शर्तों पे, कुछ कंडीशन पे साथ में रहने के लिए तैयार थी, तो नया घर भी देखना था, ये वो, और नए शहर में मैं आके डंप हुआ था दोस्तों. मेरा पिछले वाला जो कुछ जिंदगी था वहां मैं फिर से गया नहीं, क्योंकि वहां कुछ बचा ही नहीं था मेरा. तो नए शहर में आया, नया जॉब वगैरह ढूंढना, ये वो, तो मुझे एक मिल गया कि भाई हर रोज एक मीटिंग करो और दारू से दूर रहो और अपनी जिंदगी अभी ठीक करो. और मैं उसके पीछे लग गया, नो डाउट कि अभी अच्छा करना है, यू नो, समाज में नाम खराब हुआ है, मेरे रिलेटिव्स में मेरा नाम खराब हुआ है, अभी वो फिर से पाना है, पैसे कमाने हैं, हेल्थ अपनी कमानी है, ये सब कुछ मैं कमा के आया हूं, तो वो अभी मुझे वापस चाहिए सब कुछ, आई वांट देम बैक. और क्योंकि यार दारू भी नहीं पी रहा हूं, तो ये हो सकता है. और मैं उसके पीछे लग गया दोस्तों. एंड समहाउ आई डोंट नो, 1-1.5 महीना हो गया, दिन अच्छे से जा रहे थे. अच्छे से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दारू नहीं पी रहा था, लेकिन इसीलिए अच्छे से, बस वो दारू नहीं पी रहा था, बाकी तो सब कुछ मेरे चालू ही था. और 1-1.5 महीने में फिर से वो दारू पीने के ख्याल दोस्तों मेरे जिंदगी में, मेरे मन में आने लगे कि आई वॉन्ट दैट अल्कोहल. और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी गड़बड़ क्या हो रहा है, क्योंकि सी मैं सब कुछ करके यहाँ आया, अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, रिहैब का सेंटर काटा, और वो दारू पीने का ख्याल मुझे इधर भी आ रहा है, तो वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग, समझ क्यों नहीं आ रहा है मेरे को, दारू पीने का ख्याल अभी क्यों आ रहा है. ये मुझे समझा है कि वह पहला घूट तू नहीं ले सकता, फिर भी ये दारू पीने का ख्याल मेरे दिमाग में क्यों आया, कैसे आया. और मुझे पता था कि वो ख्यालों के साथ मैं ज्यादा खेल नहीं सकता बॉस, वो मुझे दारू तक लेके ही जाने वाला है. मुझे समझ रहा था कि तेरी विकेट जा सकती है, यू आर ऑन द यू नो कम्प्लीटली इन द उस जोन में तू चला गया है कि यहाँ तेरी विकेट जा सकती है. और मैं अंदर से और घबराने लगा कि यार गड़बड़ है. मैं रोता था मेरे बीवी के सामने जाके, क्योंकि वो मेरे साथ मेरे शुरुआत के दिनों में मेरी
कर दी थी। मैं मीटिंग के बाद या मीटिंग से पहले उसको बोलता था कि यार अश्विनी आई डोंट फील यू नो मुझे डर लग रहा है कि मैं फिर से दारू पीऊं, और मेरे दिमाग में दारू पीने के ख्याल आ रहे हैं। और वो बोलती थी कि अब क्या करें, अब कहाँ जाए, और मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ से आगे कहाँ जाया जाता है, क्योंकि यहाँ तो ये यहाँ तक आके तो गिर गया हूँ, अभी इससे आगे क्या है। और दोस्तों ऐसे दिन जा रहे थे, एंड देन आई रियलाइज कि यार मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस में आ तो रहा हूँ, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस का जो प्रोग्राम, या क्यों सुनता था मैं, ये 12 पायरी है, ये 12 स्टेप है, या बिग बुक है, स्पॉन्सर है, ये सब बातें सुनता था, लेकिन मैंने कभी किया नहीं था वो, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे उन सी चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि दारू से इतने दूर हूँ तो स्पॉन्सर क्यों चाहिए। और स्पॉन्सर के लेके कुछ ख्याल भी ऐसे होते कि स्पॉन्सर एक ऐसा आदमी रहता है जो मुझे जिंदगी जीना सिखाता है, वो बैठ बोलेगा तो बैठने का, उठ बोलेगा तो उठने का, तो यार कौन सुनेगा किसकी, मैं नहीं सुनने वाला किसी की, तो ये भी एक दिमाग में था, इसलिए ये सब कुछ चीजें मैंने कभी देखी नहीं थी। देन आई रियलाइज कि यार ये शायद मुझे अभी ये करके देखना चाहिए, ये जो लोग बोल रहे हैं कि 12 पायरी है, 12 स्टेप, ये करके देखना चाहिए, बिकॉज दैट इज द लास्ट ऑप्शन आई हैड, लास्ट ऑप्शन, क्योंकि अगर वो भी अगर मेरा फेल जाता है तो वैसे भी दारू पीना ही है, क्योंकि उस मुकाम तक पहुंच गया था, बाहर तक गया था, बाहर से उस दिन वापिस आया, बाय गॉड ग्रेस उस दिन दारू नहीं पिया मैं, उस दिन अगर दारू पेट में जाती तो पता नहीं आगे क्या होता। एंड दोस्तों जब स्पॉन्सर लिया, स्पॉन्सर के साथ वर्कआउट करना चालू किया, काम देखा कि ये स्टेप क्या है, और स्पॉन्सर मुझे बिग बुक में से लेके गया, द बेस्ट थिंग आई हैड इन माय लाइफ, यू नो वो बिग बुक, यार वो इतना छोटा सा बुक जो मेरे पास था, और मैंने मेरे यू you नो know, मेरे मेरे पास था, मैंने अपने घर का जो मंदिर रहता है उसके ऊपर रखा था, और उसकी पैर पड़ता था और मैं निकलता था घर से बाहर जाना है तो, क्योंकि वो गीता है, बाइबल है, कुरान है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, मैं भी बोलता भी था अपने शेयरिंग में कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, लेकिन कभी खोल के नहीं देखा था, बोलने की बातें होती है बस, वो कभी खोल के नहीं देखा था दोस्तों, लेकिन फर्स्ट टाइम जब स्पॉन्सर के साथ बिग बुक देखा, बिग बुक पढ़ा, और वो मुझे घुमा रहा था, देख यहाँ क्या लिखा है, देख वहां क्या लिखा है, एंड वो आइडेंटिफिकेशन मिलने लगा, यार मेरा गड़बड़ एक्चुअली हो किधर रहा है, मैं क्या चल रहा है। यहाँ बोला जाता है कि अल्कोहलिज्म इज अ डिसीज, यू नो डिसीज है ये, एक बीमारी है, तो पहले तो मुझे लगा था यार एक डॉक्टर को तुम लोग क्या समझा रहे हो कि डिसीज है ये वो है, ये बातें मेरे सामने मत करो, दारू पीना थोड़ी ना बीमारी हो सकती है, ये मेरी मेरी खुद की शुरुआत की सोच थी। लेकिन जैसे बिग बुक ने बोला कि यार यस इट इज यू नो टू फोल्ड डिसीज, शुरुआत में मुझे बताया गया कि इट्स मेंटल ऑब्सेशन कपल्ड विद फिजिकल एलर्जी, मेरे दिमाग में दारू पीने के ख्याल आते हैं, और फिर मैं यू नो वो एक दारू अंदर पेट में जाने के बाद एक सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी डेवलप, एलर्जी डेवलप इन साइड मी, और वो एलर्जी और डिमांड करती है, और डिमांड करती है, और डिमांड करती है, और फिर मुझे दारू पीना ही पड़ता है, न चाहते हुए भी मुझे नेक्स्ट पैक, नेक्स्ट ड्रिंक, नेक्स्ट बियर, नेक्स्ट क्वार्टर लेना ही पड़ता है, वो मेरे साथ होता है। तो यहाँ आने के बाद जो मैंने पहली बार ये सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था, एंड देन मेरे को स्पॉन्सर बोला तेरे को क्या लगता है कि अल्कोहल इज योर रियल प्रॉब्लम, मैं बोला हाँ यार ऐसा लगता तो है, क्योंकि देखो एवरीवन यू नो सब मुझे, जब मैं एक्टिव अल्कोहलिज्म में था, बहुत ज्यादा दारू पी रहा था, तब मेरी बीवी, मेरी सास ससुर सब लोग मुझे यही बोलते थे कि यार वैभव तू आदमी बड़ा अच्छा है, बस ये दारू बंद कर, नहीं तो तेरे में ऐसा कुछ नहीं, तू आदमी बड़ा अच्छा है, तू दारू बंद कर, दारू अगर बंद हो जाएगी तो तेरे में ऐसा बहुत अच्छा जिंदगी जी पाएगा तू। और मेरे दिमाग में भी वही था कि यार मैं आदमी बड़ा अच्छा हूँ, दारू प्रॉब्लम है, अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, उससे पहले रिहाब सेंटर में था तो दारू तो बंद हो गई, लेकिन ये आदमी अच्छा ही है, इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं, या इसमें कुछ रेक्टिफाई करने की जरूरत है नहीं। तो मुझे, मैंने भी उसको बोला यार मैं तो यू नो मैं हाँ दारू तो अभी बंद है, दारू मुझे प्रॉब्लम लेके मैं यहाँ आया था, तो वो बोला फिर दारू अगर तेरी बंद है तो तेरे को स्टेप्स क्यों लेना है, फिर ये स्टेप्स तू कर रहा है, करना चाहता है तो क्यों करना है तेरे को ये स्टेप्स। मैं वो अंदर से आवाज आया कि यार आई डोंट नो बट आई एम नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, मैं खुश नहीं हूँ जिंदगी में, ये मैं बस दिखावा कर रहा हूँ कि मैं हैप्पी हूँ, यू नो आई वाज प्रिटेंडेड टू बी हैप्पी, मजा आ रहा है, खुश हूँ, दारू से दूर हूँ, इतना अच्छा परमेश्वर की कृपा, मैं सब झूठ बोलता था यहाँ आके, मैं मीटिंगों में सब झूठ बोलता था, झूठ दिखाने की कोशिश करता था, मैं एक मास्क पहन के मीटिंग रूम में घुसता था, और यू नो वो मीटिंग रूम तक जाने तक मेरा दिमाग में बहुत कुछ चलते रहता था, बहुत कुछ चलते रहता था, और मीटिंग रूम में जाके एक मास्क पहन के सब दिखाने का अच्छा है, और फिर बाहर आता था उसी अपने विचारों के गटर में रहता था, उसी विचारों के गटर में रहता था, एंड लाइफ वॉज टोटली मिजरेबल, उस जीने का कुछ, जिंदगी जीने का मजा नहीं था, मेरे कुछ मजा नहीं आ रहा था, और मैं इस मुकाम तक पहुंच गया था कि भाई मुझे ये जिया नहीं जा रहा है, मुझे एक अच्छी जिंदगी चाहिए, यू नो ये दिमाग में से निकलना चाहिए कचरा, नहीं तो एक मुझे
मतलब मार तो डालो मुझे, ये दो दो ऑप्शन मेरे पास बचे थे। एक कुछ तो चाहिए, मैं ये ऐसा जॉब ऐसा जी रहा हूँ जिस कंडीशन में मैं अभी सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, उस कंडीशन में मेरे से सर्वाइव नहीं हो रहा है, बहुत नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ जब मैंने देखा कि यार मेंटल ऑब्सेशन, दारू पीने का ख्याल आता है, हाँ मैं बोला दारू पीने का ख्याल आता है, अभी भी मेरे दिमाग में दारू पीने का ख्याल है, उस टाइम मैंने स्पॉन्सर को बोला था, और स्पॉन्सर बोला आगे का मेरे को पता है कि ये साइकिल कैसे चालू होता है, फिर दारू पीने का ख्याल आता है, फिर मैं बाहर तक जाता है, बाहर में मैंने पहला 90 का ऑर्डर देता है, और वो जो एक्चुअल में 90 मेरे पेट के अंदर जाती है, देर इज सम सॉर्ट ऑफ एलर्जी बिटवीन यूर बॉडी एंड दैट सब्सटेंस अल्कोहल, एंड दैट क्रिएट्स वन एनर्जी एलर्जी, एंड दैट एलर्जी वन ट्रिगर, वो एलर्जी एक बार ट्रिगर हो जाने के बाद वो और दारू मांगती है और दारू मांगती है, और तू और पीते रहता है पीते रहता है पीते रहता है, और ये मेरे मुझे समझ में आया, यस ये दिस इज हैपनिंग विद मी, क्योंकि एलर्जी होने के बाद वो और दारू मांगेगी, मैं और दारू पिएगा, उससे बड़े और एलर्जी तैयार हो जाएगी, मैं और दारू पिएगा, तो ये दारू एलर्जी का जो विशेष साइकिल है उसमें तो मैं फंस रहा हूँ, लेकिन द मेन थिंग इज वो एलर्जी कैसे एक्टिवेट हुआ, क्योंकि मैं दारू पिया यार, तो दारू क्यों पिया, क्योंकि मैं बाहर में गया, वो तू बाहर में क्यों गया यार, मतलब मेरे दिमाग में दारू पीने के ख्याल आ रहे थे यार, इसीलिए मैं बाहर में गया, तो द मेन प्रॉब्लम ऑफ एन अल्कोहलिक इज लाइज इन हिज माइंड रादर देन हिज बॉडी। भाई तेरा जो मेन प्रॉब्लम है तेरे माइंड में, बॉडी में नहीं है, बॉडी तेरा प्रॉब्लमेटिक 100% है। यहाँ से आगे अभी 4 साल हुआ है तो दारू से दूर है, यहाँ से आगे जिंदगी में कभी भी दारू का फर्स्ट ड्रॉप मेरे बॉडी में जाएगा इन एनी फॉर्म मेडिसिन में भी, तो वो एलर्जी तो एक्टिवेट होने वाला है, उसके बाद तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू तो पीने वाला है, तो माय प्रॉब्लम इज बॉडी नॉट बॉडी, को कुछ कर नहीं सकता मैं, ऐसा कुछ गोली नहीं बनाया मेडिसिन नहीं बनाया कि उससे बचे बॉडी का मैं कुछ कर सकूं, तो समथिंग आई कैन डू विथ माई मेंटेलिटी, बिकॉज मेन प्रॉब्लम यहाँ है। और मुझे समझ में आया कि यार मेरा मेन प्रॉब्लम दारू नहीं है, दारू तो मेरा सोल्यूशन है, मैं जिस मानसिक कंडीशन में मैं जिस मेंटल कंडीशन में दारू पीने को जाता हूँ दैट इज माई रियल प्रॉब्लम बॉस, दैट इज माई रियल प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे आज यहाँ अल्कोहलिक एनोनिमस में आके सोचने की जरूरत पड़ी थी कि व्हाई आई एम ड्रिंकिंग, मेरे दिमाग में दारू पीने के ख्याल एक्चुअल में आ क्यों रहे, क्या हो रहा है मेरे साथ यहाँ, मैंने जब फिर देन द पार्ट कम्स ऑफ द अनमैनेजेबिलिटी ऑफ लाइफ, स्पॉन्सर बोला तेरे जिंदगी में अनमैनेजेबिलिटी है क्या, तो अनमैनेजेबिलिटी की जो मेरी डेफिनेशन थी कि दारू पीने के बाद जो कुछ मैंने किया दैट इज द अनमैनेजेबिलिटी फॉर माई सेल्फ, और अभी 7-8 महीने दारू से दूर हूँ, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, 7-8 महीने दारू से दूर हूँ, तो यह सब बातें मेरे से हुई नहीं, ना मैंने किसी गाड़ी ठोकी है, ना मैंने बीवी को मारा है, ना मेरी बीवी छोड़ के चली गई है, ना मुझे पैसे किसी से मांगने पड़ रहे हैं, ना बीवी के गहने बेचने पड़ रहे हैं, जेब में थोड़े बहुत पैसे है, एक अभी जॉब लगा है उस पे हूँ, स्टेबल हूँ, तो अनमैनेजेबिलिटी ऑफ लाइफ खत्म हो गई तेरी जिंदगी की। तो अल्कोहलिक एनोनिमस यू नो वो जो बिग बुक बोलना चाह रहा था दैट अनमैनेजेबिलिटी ऑफ लाइफ इज समथिंग रिलेटेड टू यूर मेंटेलिटी, समथिंग रिलेटेड टू यूर इमोशन, यू आर इमोशनली वेरी वल्नरेबल पर्सन यार, इमोशन पे तेरा काबू है क्या, और मैं जब वो सब कुछ देखने लगा कि इमोशन पे मेरा काबू, मैंने दोस्तों मेरे इमोशन पे मेरा बिल्कुल काबू नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि हमेशा कुछ भी हो जाए मैं एकदम यू नो एकदम एक्सट्रीम पे चला जाता हूँ, गुस्सा हो गया यू नो, मुझे खुशी भी हो गई, मुझे डर लग गया, कुछ भी हो जाए मेरे साथ मैं एक्सट्रीम लेवल तक जाता हूँ, मैं बीच में रह नहीं पाता, मेरे पास कुछ ऐसे ऐसे किस्से भी हुए हैं कि मैंने खुद को मार के लिया है यू नो, हाथ को बहुत बार लगा है, या मैंने मेरे मोबाइल फोड़ डाले है, बोलते बोलते मोबाइल में मुंह में डाल के चबा लेता था, ये सब चीजें मैं करता था, गुस्से पे कंट्रोल नहीं आता था मेरा, क्योंकि एक पॉइंट एक सेकंड वो आ गया दिमाग में कि सटक के मैं उस ठीक में मैं क्या कर जाऊं, आई रियली डोंट, ये होता था मेरे साथ, ये होता था दोस्तों, मैं ऐसा करता था, इमोशनल नेचर पे कोई कंट्रोल नहीं है मेरा, मेरा मैं आजू बाजू के लोगों के साथ जो मेरे संबंध पे मैंने देखा कि लेकिन नहीं है, उनके साथ भी मैं ठीक से नहीं रह पा रहा हूँ, मेरी माँ है मेरी बीवी है, बीवी तो बस नाम की बीवी थी यार, आई डोंट थिंक कि कुछ लगाव था उससे उस टाइम मेरा, आई रियली डोंट नो क्या, नहीं था मेरा लगाव, कुछ नहीं था, बस है यार क्यों शादी की मैंने इसके साथ, यार ये पागल लड़की, ये वो, ये मैं यही सब बीवी के बारे में सोच रहा था, मैं उसके वजह से भी बहुत यू नो डिस्टर्ब रहता था, था मेरा, मैंने बहनों के साथ रिलेशन अच्छा नहीं था, मुझे लगता था कि उन्होंने मेरे जिंदगी की वाट लगा दी, मेरे जिंदगी में वो यू नो इंटरफेयर कर रहे हैं, मुझे ठीक से जीने नहीं दे रहे हैं, तो ये सब चीजें मेरे दिमाग में हमेशा लेके रहता था, बहुत सारे डर थे, डर के बारे में बोलूंगा दोस्तों कि मैं सुबह उठने के बाद मेरा दिल धड़कना चालू हो जाता था यार, आई डोंट नो क्यों धड़कता था, मैं टॉयलेट पे भी बैठा ना तो पसीने आ जाते थे सुबह सुबह, ये मेरी कंडीशन थी और ये हमेशा चलता रहता था, कोई बजा फोन बजा, कोई कुछ जोर से बोला, दरवाजे पे नॉक हुआ, बेल बजा,
दिमाग एकदम समझ में नहीं आता था कि यार कौन है, क्यों आया है, शायद मैंने कुछ कर तो नहीं दिया है, या पिछला कोई जो मैंने अल्कोहलिज्म के टाइम जो कुछ किया था, कुछ कोई मुझे ढूंढते ढूंढते तो यहाँ नहीं आया। तो ये सब मेरे दिमाग में हमेशा चलते रहता था दोस्तों। अभी बाय प्रोफेशन अगर मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, और उस टाइम मैं जब जॉब में था बहुत ज्यादा ऐसे पैसे वैसे नहीं कमाता, बस एक यू नो रोटी कपड़ा मकान उतना ही मेरा चल रहा था, ऐसा नहीं है। एट द सेम टाइम मैं मेरे साथ वाले बंदों को जब देखता था तो वो यार बहुत टॉप तक जा चुके थे, उनके बहुत बड़े हॉस्पिटल बने हैं, BMW आ गई यार, यू नो घर बड़े बड़े बन गए, बंगले बन गए, क्योंकि वो व्हाट्सएप स्टेटस पे दिखता है, व्हाट्सएप स्टेटस पे दिखता है। बहुत जलन होती थी मेरे को अंदर से, बहुत यू नो ऐसी खिंचान होती थी कि यार साला मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और ये बंदे कल के बंदे जिनको मैंने खुद हाथों से सिखाया है कि कैसे करनी है चीजें, कैसे मैनेज करना है, कैसे ऑपरेट करना है, कैसे पेशेंट को ये, तो ये सब मैंने इनको सिखाया, अभी ये बहुत आगे चलेगी। और वैभव तू अभी भी बाहर के बाहर पड़ा है यार, वैभव तू अभी भी उधर ही पड़ा है ना, तेरे जैसा 500 रुपए नहीं है आज तेरे जेब में, महीने के लास्ट तक मेरे जेब में 500 रुपए नहीं रहते थे, 50 रुपए नहीं रहते थे यार, कल का कैसे भागेगा ये मेरे को पता नहीं रहता था। तो जो यूजलेस लगता था यार, ये क्या चल रहा है, यूजलेस लगता था, मतलब अच्छा नहीं है ये, दिस इज नॉट द गुड फीलिंग। वैभव भाई आप म्यूट हो गए हैं। या हेलो, या यू ऑडिबल नाउ, प्लीज कंटिन्यू। या प्लीज कंटिन्यू, सॉरी। तो ये यूजलेस हो चुका हूँ, जिंदगी में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो ये सब डर, ये सब गुस्सा, ये सब ये सब लेके हमेशा दिमाग में चाव 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 कंटिन्यू रहता था, मैं कभी स्टेबल नहीं था, बहुत 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 ज्यादा ये लगता था। और रात को इतना ठीक से मेरे को नींद आती थी, बहुत बार यू नो बड़े बुरे बुरे सपने आते थे, ये सब चीजें मेरे साथ 100% हो रही थी। एंड वो बोलता है ना फिर, तो इट्स लाइक यू नो 100 रेडियो स्टेशन, थाउजेंड्स ऑफ रेडियो स्टेशन रनिंग इन टू योर माइंड, बहुत सारे रेडियो स्टेशन एकदम से चालू है और तेरे को समझ में नहीं आ रहा कि सुनना किसका है, सुनना किसका है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। एंड फिर वो डॉक्टर सिल्वर्थ बोलता है कि यार वी बिकम रेस्टलेस, इरिटेबल एंड डिसकंटेंटेड, बॉस त्रासलेला वैतागलेला असमाधानी, वो हमेशा रहता था, चिड़चिड़ापन मेरे दिमाग में हमेशा रहता था। यू नो वो उससे भागना कैसे, उससे दूर कैसे होना है, अपनी मानसिकता से कैसे दूर भागू, क्या करूँ, अरे उठाना पहला ड्रिंक है, मारना एक 90, मारना एक बियर, यू नो दैट इज जस्ट टू मास्क माई फीलिंग्स, टू रन अवे फ्रॉम माई फीलिंग्स, जस्ट बिकॉज मैं उनको फेस नहीं कर पाता था। उन सबको छुपाने के लिए मुझे वो बियर का पहला ग्लास, रम का पहला ग्लास, वो पहली 90 मेरे को उठाना ही पड़ता था दोस्तों। और वो मारने के बाद क्यों मार रहा हूँ, पर ईज एंड कम्फर्ट यार, मजा आ रहा है इन सब, यू नो द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड दैट अल्कोहल, दैट यू नो दैट सब्सटेंस गोज इनटू माय सिस्टम, मेरे सिस्टम में जाता था, कंप्लीट साइकिक चेंज, कंप्लीट साइकिक चेंज, कंप्लीट डिफरेंट पर्सनैलिटी, जो हमेशा चिड़चिड़ कर रहा है, यू नो एकदम ऐसे डिप्रेशन में बैठा है, ये सब चीजें, और ऐसा बंदा वो अंदर जाने के बाद आई वॉज लिविंग यार, मैं यू नो एक सोसाइटी का पार्ट हूँ, सबको फोन करता था क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं ये सब कुछ करता था। लेकिन आफ्टर द फर्स्ट ड्रिंक, बट वो क्या है, वो फर्स्ट ड्रिंक पे रुक नहीं पाता था, मैं रुक नहीं पाता, दैट एक्टिवेट यू नो दैट एलर्जी एक्टिवेट हो जाती है, और उसके बाद मुझे फिर पीना पड़ता है, किधर गिरे तक पीना पड़ता है, मुझे समझ में नहीं आता फिर उसके बाद मेरे साथ क्या होता है। तो वन प्रॉब्लम आई अंडरस्टूड बॉस, यू नो ये जो मेरे माइंड का कंडीशन है, जो हमेशा मैं चिड़चिड़ा रहता हूँ, या मैं खुश नहीं रहता हूँ, मुझे जिंदगी जीने जैसी नहीं लगती है, मेरे को डिप्रेशन टाइप लगता है, ये मेरा रियल प्रॉब्लम है यार, ये मेरी मानसिकता, ये मेरी इमोशनल नेचर, दिस सॉर्ट ऑफ इमोशनल नेचर, आई एम वेरी वल्नरेबल, दिस लीड्स मी टू द फर्स्ट ड्रिंक, और उसके बाद वो साइकिल चालू हो जाती है, उसको वो कोई रोक नहीं सकता फिर। सो आई हैव टू, अभी फिर मैं ही ऐसा क्यों हूँ, दिस इज माई मेकअप, God created me in like this way, यार उसमें मेरा कुछ रोल नहीं था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी मेंटेलिटी ऐसी तैयार हो, कौन चाहेगा ऐसी मेंटेलिटी, लेकिन वो मुझे पूछ के तो नहीं हो रहा है, वो हुआ है, अपने आप हुआ है, that how I was created by my God, so now yes I have to accept my things, this is my problem, मेरा गुस्सा मेरा problem है, मेरी ये fears problem, मेरे sex के problem, this is my real problems यार, सेक्स के तो बहुत बड़े, अभी ओपन मीटिंग में इस मीटिंग में बहुत ज्यादा चीजें शेयर नहीं कर सकता उस बारे में, लेकिन दैट पार्ट ऑफ लाइफ दैट इज हेवायर बॉस, बहुत कुछ किया है उसमें, बहुत कुछ करके यहाँ आया हूँ,
कौन सब चीजों की गिल्ट हमेशा लगी रहती थी, यू नो, पश्चाताप की भावना, रिमोर्स हमेशा लगा रहता था कि क्या करके आया हूँ, कितनी जिंदगियां बर्बाद करके आया हूँ। सो ये मेरा जो मानसिक आंदोलन बोलते हैं हम कि ये बैकहैंड पे या मेरे सबकॉन्शियस माइंड पे ये सब कुछ चल रहा रहता है ना, दैट इज माई रियल प्रॉब्लम एंड दिस इज माई, यू नो, दैट स्टेट दैट बिग बुक इज कॉल्ड रेस्टलेस, इरिटेबल एंड डिसकंटेंटेड। और वो जब चालू हो जाती है, वो उस मुकाम पे मैं पहुंच जाता हूँ, देन बॉस एक ही चीज मुझे याद आती है, उठा पहला ड्रिंक, क्योंकि मैं नहीं फेस कर सकता। यही मेरे साथ बार 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 जब मैं अनुभव में घेरे मेरे गया, हर बार मेरे साथ ये हुआ है। और ये दारू तो बहुत बाद में आई है बॉस, दारू तो दोस्त बहुत बाद में आई, ये सब जो चीजें हैं मेरे बचपन से मेरे साथ चलती आ रही है, बचपन से। क्योंकि जब मैं फोर्थ स्टेप में ये सब कुछ सोच रहा था अपने बारे में, बचपन से मेरे बारे में सोच रहा था, तो इसमें से आधे से ज्यादा प्रॉब्लम है बचपन से चल रहे मेरे साथ यार। तो यस, दैट वे और, लेकिन हूँ तो अभी आगे क्या कह, क्योंकि अगर इस कंडीशन में मैं जाता हूँ तो दारू तो पीना ही पड़ेगा। तो मुझे अगर कुछ उपाय करने हैं या सोल्यूशन लेना है तो मुझे इस कंडीशन में सोल्यूशन लेना है, दैट वेयर बिग बुक इज कॉल्ड दैट द सोल्यूशन इज स्पिरिचुअल बॉस। इफ यू हैव द स्पिरिचुअल डिसीज, ये तेरी मेंटालिटी, ये सब कुछ, यू हैव दैट स्पिरिचुअल सोल्यूशन, तो स्पिरिचुअल सोल्यूशन पे जाना पड़ेगा तेरे को, क्योंकि तू नहीं कर सकता। क्योंकि मैं आपको, मैंने बहुत बार कोशिश की है इन सब चीजों से निकलने की, ना वो जब गुस्सा आता था, मैंने बहुत बार सोचा कि अपनी यहाँ पे गाड़ी में बैठा हूं मैं, तो गाड़ी ऐसी कैसी ऐसे अनजान जगह या ऐसे लेके लेके जाओ जहां कोई ना हो, गाड़ी से बाहर निकल के जोर जोर से चिल्लाओ, क्योंकि मैं वो सेंस कर पाता था कि कुछ पनप रहा है अंदर, यू नो, कुछ पनप रहा है, लेकिन उसको वे आउट नहीं मिल रहा है, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। और जब वो बाहर निकलता था तो ऐसे फूट के, ज्वालामुखी जैसे फूट के निकलता था, वही मेरा सब कुछ जो अल्कोहलिज्म है, फूट के निकलता था। तो ये मैंने बहुत निकालने की भी कोशिश की है इस तरीके से, कि मैं सोचा हूँ कि ऐसे जाके करूंगा, ये करूंगा, या यू नो, वो बहुत सारे मैं ऐड भी देखता था कि दारू से दूर रहना, तो ये करो वो करो, और वो सब उसके पीछे भी मैं जाता था, लेकिन वो प्रॉपर वे आउट इन सब फीलिंग में से निकालने का, इन सब कंडीशनों में से निकालने का, ये मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस ने दिया बाय माय स्टेप्स। बिकॉज अगर वो नहीं होता तो ये शायद से पॉसिबल भी नहीं होता, क्योंकि वो अगर मैं आज तक वो सब लेके अंदर घूमता तो कभी का मेरा विकेट गया होता बॉस। बिकॉज वो सिंगल थॉट एंड मैं हजार लोगों में, अब अगर मुझे बैठा के रखा है ना आपने, मैं वहां से भी कल्टी मार के जा सकता हूँ, ऐसा मेरा नेचर, और ऐसे मैंने बहुत बार किया हुआ भी है दोस्त। तो जैसे धीरे धीरे स्टेप करने लगा अपने जिंदगी के बारे में, मैंने मेरे स्पॉन्सर के साथ शेयर करने लगा, ओपन मीटिंग्स में, फोरम में मैंने शेयर करना चालू किया कि मैं क्या किया है, मेरे को क्या लगता है, मैं क्यों आया, ऐसे ये सब कुछ धीरे धीरे जब मैंने शेयर करना चालू किया दोस्तों, तो ये जो अंदर की जो गंदगी थी मेरी, मेरे पिछले, यू नो, पिछले दिनों की या पिछले सालों की या 32 सालों की जो अंदर की जो गंदगी थी, जैसे जैसे धीरे धीरे बाहर निकलने लगी, थोड़ा 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 अच्छा लगने लगा, यू नो, द सेम फीलिंग जो मुझे रिहैब सेंटर में आई थी, जिस दिन वो एक्सेप्टेंस अंदर से आया था कि वैभव तू एक अल्कोहलिक है, उस दिन जो मैं रोया था, उस दिन जो मेरे को हल्का लगा था, द सेम फीलिंग, ये यू नो, मैं स्पॉन्सर के साथ बात करते 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 धीरे 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 आने लगी, एंड समहाउ किधर तो जाके एक अच्छा लगने लगा, गुड लगने लगा, क्योंकि मैंने ये जिंदगी या ये मेंटल स्टेट मैंने जिंदगी में पहली बार महसूस की थी, इतना अच्छा भी हो सकता है, इतना अच्छा भी होना, इतना शांत भी रहा जा सकता है, ये मुझे पता नहीं था जब तक मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया या मैंने स्टेप्स वर्कआउट किया दोस्तों। आई थिंक आई हैव लास्ट 5 मिनट्स दोस्तों। ठीक है यार, फिफ्थ स्टेप के बाद ये सब होता है, आता है, वो भगवान वो वगैरह बोलते हैं, उच्च शक्ति बोलते हैं, ये सब होता है, बट If this is my emotional nature, this is my part of personality, तो you know, it is somehow, हम बोलते हैं कि character से जुड़ी हुई ये चीजें है, तो ऐसे नहीं है कि ये निकाल के फेंक दी, ऐसे नहीं होता है, गुस्सा निकाल के फेंक दिया अभी गुस्सा जिंदगी में कभी नहीं आएगा, डर निकाल के फेंक दिया अभी जिंदगी में डर नहीं लगेगा, यू नो, सेक्स के प्रति वो जो भावनाएं थी, वो जो हेवा है, वो सब निकाल के फेंक दिया अभी जिंदगी में नहीं, it is somehow bounded to me, वो मेरे अंदर है, मेरे को ऐसे करते है, तो अभी उसका मैं क्या करूं, तो मतलब उसका तो तू कुछ नहीं कर सकता, यही तो तेरा प्रॉब्लम है, इसीलिए तो अल्कोहलिक एनोनिमस में आके पड़ा है, तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो कर सकता है, उसको करने का तुझे चांस देना चाहिए, यू नो, यू कांट डू इट, लेकिन वो कर सकता है, लेकिन क्या मैं उसको आज करने दे रहा हूँ, क्या मैं उसके हाथ में पूरा जीवन सौंपने के लिए तैयार हूँ, ये बहुत बहुत बड़ी चीजें है मेरे लिए, आज मैं इन चीजों के बारे में बोल भी पा रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है यार मेरे लिए, नहीं तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं था दोस्तों, मेरे जैसा इंसान क्या था, मैं किस क्या करके यहाँ आया हूँ, या जो मेरे जिंदगी में जो चेंजेस आफ्टर अल्कोहलिक एनोनिमस हुए,
वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, जो मैं मानता हूँ कि एक एक दिन के हिसाब से वो मेरे में आते गए. एंड आई फील वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, फॉर द एंटायर अल्कोहलिक एनोनिमस फेलोशिप. बेसिकली इन्होंने मुझे प्रॉब्लम बताया कि भाई प्रॉब्लम तेरा दारू है ही नहीं, तेरा प्रॉब्लम है वो मानसिक कंडीशन जो तू बोलता है ना, चिड़लेला वैतागलेला असमाधानी, दैट रेस्टलेस इरिटेबल एंड डिसकंटेंटेड स्टेट, दैट इज योर मेन प्रॉब्लम. वह तो जरा ये सोचना पड़ेगा कि तू उस स्टेट में क्यों जाता है, तेरे साथ क्या होता है. अगर मैं उसको कुछ कर पाया तो शायद से मैं फर्स्ट ड्रिंक की तरफ, शायद से मैं बाहर की तरफ नहीं जाऊंगा, शायद से. दैट इज माय ओनली होप. अदरवाइज देयर इज नो कंट्रोल, क्योंकि मैं तो मेरा अल्कोहल नहीं रोक सकता, अल्कोहलिज्म नहीं रोक सकता. मैंने बहुत बार कोशिश की, यू नो, समहाउ वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है. लेकिन अगर वो मुझे प्रोटेक्ट करना है तो क्या मैंने उसके बताए रास्ते पे चल रहा हूँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं तो मेरे को जैसा चाहिए मैं जिंदगी जी रहा हूँ, और बस मैं सोच रहा हूँ कि दारू जिंदगी में नहीं आना चाहिए, ये तो नहीं होगा. क्योंकि ये सब पहले भी करके देख चुका हूँ, नहीं हुआ मेरे से, नहीं हुआ. दारू अलग और जिंदगी अलग, नो. अल्कोहलिक एनोनिमस ने जो वे ऑफ लाइफ दिया वो अगर मैं फॉलो कर सकता हूँ, आज अभी दसवां महीना, 10th, वेरी इंपॉर्टेंट द पर्सनल इन्वेंटरी, द स्पॉट इन्वेंटरी. क्या दिमाग में आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, क्या मैं वो कचरा आया हुआ हमेशा फटाफट बाहर निकाल रहा हूँ, नहीं निकाल रहा हूँ, मैंने किसको हर्ट किया, क्या मैंने अमेंड किया है, क्या मैं अमेंड तुरंत कर रहा हूँ. बिकॉज इट सेव्स मी फ्रॉम दैट रिमोर्स एंड गिल्ट, गुस्से से, वो इट सेव मी. क्योंकि अगर वो मैं लेके घूमा तो मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता दोस्तों. तो ये मेरा रियल प्रॉब्लम है, माय इमोशनल नेचर, मेरी मानसिकता. अल्कोहलिक एनोनिमस का 12-step प्रोग्राम एक्चुअल में मेरे मानसिकता पे ही काम करता है. यहाँ मुझे आधे स्टेप में दारू बताया, उसके बाद किसी ने दारू का नाम भी नहीं लिया. तो मेन प्रॉब्लम ऑफ अल्कोहलिक अगर माइंड में है, और बिग बुक भी चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि अल्कोहल, ड्रिंकिंग अल्कोहल इज नेवर द प्रॉब्लम, और दिस इज नॉट द डिसीज, यू नो, दिस इज जस्ट द सिम्टम ऑफ माय डिसीज. ये बस मेरे एक वो बीमारी का एक लक्षण है. मुझे ढूंढना पड़ेगा कि आई हैव टू गो फॉर द रूट्स एंड कंडीशंस. मुझे अंदर घुस के देखना पड़ेगा, अपने अंदर उतरना पड़ेगा. देर वहां कहां तो वो सोल्यूशन छुपा हुआ है. छुपा हुआ नहीं, वो वही है. मैं बस ढूंढा नहीं था आज तक यार, कभी अंदर घुसा ही नहीं था. तो बस दोस्तों चल रहा है अच्छा. आज एक्चुअली काम पे था, 2 दिन से बीमार भी हूँ. लेकिन यू नो अभी बहुत पहले डिसाइड हो चुका था ये दिन, एंड मैं बोला नहीं करना ही है. तो गाड़ी थोड़ा सा दूर लेके आया एकांत में, जहाँ मैं चिल्लाने के लिए आने वाला था. वही आज अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग में शेयरिंग करने के लिए आने का मौका मुझे मिला. एंड इट फील्स रियली ग्रेट एंड गुड टू यू नो हैव हियर. एंड थैंक यू पिंक सिटी जयपुर. एंड नए बांधव जो आए हैं उनको मैं फिर से बोलना चाहूंगा, दोस्त आते रहो यहाँ. यहाँ डेफिनेटली सोल्यूशन मिलेगा. मेरे जैसा एक डॉक्टर इंसान सब करके आया, लेकिन सोल्यूशन अल्कोहलिक एनोनिमस ने ही दिया. सो दिस इज द रियल सोल्यूशन फॉर मी, जो मैं मानता हूँ. आज 4 साल से दारू से दूर हूँ, और इसके लिए मैं मेरे भगवान का, मेरे उच्च शक्ति का बहुत तहे दिल से आभारी हूँ. आप सबका आभारी हूँ मुझे बोलने का मौका दिया. धन्यवाद दोस्तों.